हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आई एजुकेशनल हब तो फ्रेंड्स आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं तो so फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीट जेई एंड बोर्ड्स के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो so फ्रेंड्स मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन किसी भी एलिमेंट्स का नहीं निकाल पाते तो फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी के लिए है जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फर्गेशन निकालना नहीं आता तो so फ्रेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन काफ़ी ईजी होता है तो फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो या ट्रिक को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो फ्रेंड्स लास्ट तक यह वीडियो को जरूर देखें तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन को निकालने के लिए हम लोग को एस पी डी एफ सबसेल का जरूरत पड़ता है तो फ्रेंड्स एसपी डी एफ सबसेल्स के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एस पी डी एफ आखिर होता क्या तो फ्रेंड्स बात हम लोग करते हैं एसपी डी एफ की तो फ्रेंड्स एस पी डी एफ हम ये तो सबसेल होता, होता है तो फ्रेंड्स एस पी डी एफ एक सबसेल होता है हर सबसेल में एक एक ऑर्बिटल होता है तो फ्रेंड्स हर सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं वो हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड डी में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में मैक्सिमम फोर्टीन इलेक्ट्रॉन फुलफुल होते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपका एक ऑर्बिटल होता है पी में आपका तीन ऑर्बिटल होता है एंड डी में आपका फाइव ओरबाइटल होता है एंड एफ में आपका सेवन औरबाइटल होता है तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि एस पी डी एफ सब सेल के जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस तरह फुलफिल करते हैं ऑर्बिटल में तो फ्रेंड्स इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं तो फ्रेंड्स ऑर्बिटल में हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरह फुलफिल करते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा इस तरह फुलफिल करते हैं अगर आप इस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह फिल करेंगे तो ये आपका रोंग हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एक आपका सीधा होगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका इसके जस्ट उल्टा होगा एक इलेक्ट्रॉन आपका सीधा होगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका इसके उल्टा होगा ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फुलफिल करते हैं और वाइटल में ठीक फ्रेंड्स तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपका सिक्स जाता है तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें फाइव इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो, तो किस तरह हम लोग सीरीज वाइफ फिल करते हैं और वाइटल में वो हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर हम लोग फिर से स्टार्टिंग करते हैं ये आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ये आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग सीरीज वाइज कंटिन्यू कंटिन्यू इस तरह हम लोग फिल करते हैं ठीक है फ्रेंड्स टू टू इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं करना है ठीक है फ्रेंड्स सिंगल one by one by one by करके इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो फ्रेंड्स पी में मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो ये आपका सिक्स हो गया एंड डी में मैक्सिमम टेन इलेक्ट्रॉन्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसी प्रकार एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन तो ठीक है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को किस तरह फुलफिल करना है ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का ट्रिक सीखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किस तरह से निकालना है तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये याद होगा बुक एनसीईआरटी बुक में आपका है, बोलते हैं प्रिंसिपल ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पहले इस तरह से निकाल देते हैं वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एज फोर पी फोर डी फोर एफ इस टाइप से दिया हुआ फ्रेंड्स तो इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं इस तरह हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं इस तरह हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं ठीक है फ्रेंड्स इस तरह इस तरह एरो में दिया हुआ रहता है ठीक है फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉलफ्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको हम लोग को अरेंज करना हो अरेंज करने के बाद हम लोग को वन एज टू एज टू पी थ्री एज थ्री पी फोर एज थ्री डी थ्री पी इस तरह आएगा ठीक है फ्रेंड्स इसको हम लोग जब अरेंज करते हैं तो ये आपका इस प्रकार आएगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपको इसको भूलना होगा अब मैं आपको एक ट्रिक इजी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फर्गेशन को काफ़ी इजी वे में निकाल पाएंगे आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा कि पहले आप इसको एरो में अरेंज करेंगे फिर इसको आप सीरीज में अरेंज करेंगे इतना लंबा आपको नहीं जाना है अब मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन आप इजी वे में निकाल सकेंगे ठीक तो, है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हमारा ट्रिक है एस पी डी एफ तो फ्रेंड्स ये सब सेल के थ्रू ही हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन निकलता है तो ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स एस आपका वन होगा पी टू डी आपका थ्री नंबर होगा एंड एफ आपका फोर नंबर होगा ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग ट्रिक स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हम लोग एस लेंगे तो एस को हम लोग दो बार लेंगे ठीक है फ्रेंड्स अगर हम लोग पी लेंगे तो पी को पी को हम लोग दो बार लेंगे जैसे एस लिए तो एस को हम लोग दो बार लिखेंगे अगर पी लिए तो पी एस को हम लोग दो बार लेंगे मतलब आपको इधर जाना मतलब आपको इधर जाना ठीक है फ्रेंड्स अगर हम लोग पी लेंगे तो पी को हम लोग पी ए पी को हम लोग दो बार लेंगे जैसे पी एस एक बार हो गया पी एस दो बार ठीक है इधर इधर से हम जाना। हम जाना है हम लोग लोग जाना जाना ठीक है अगर लेंगे तो S दो बार लेना है डीपीएस तो दो बार लेना है जाना है और हम है, इधर जाना है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए हम लोग अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग सीरीज वाइज लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सीरीज वाइज लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग का एस है ठीक है फ्रेंड्स तो एस एस देन हम लोग का पी आता है ठीक है फ्रेंड्स तो हम लोग का आएगा पी एस पी एस अब हम लोग का आ रहा है डी तो डी पी एस डी पी एस फिर डी पी एस ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग का आ रहा है एफ डी पी एस एफ डी पी एस और एक बार लिखेंगे हम लोग इसी लाइन में एफ डी पी एस ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग एसपीडीएफ सबसे ले वो सीरीज में कंप्लीट हो चुका है बस आपको दो दो बार सबसे को लेना है अगर आप एस लेंगे तो दो बार एस लेंगे अगर आप पी लेते हैं तो पी एस इस इधर से आपको राइट से लेफ्ट जाना है ठीक है फ्रेंड्स तो पी एस पी एस अगर डी फिर हम लोग डी लेंगे तो डी पी एस दो बार फिर एफ लेंगे तो एफ डी पी एस दो बार ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग नंबर बैठाते हैं ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा वन एस हम लोग का वन से स्टार्ट है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वन वन से स्टार्ट है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये सब लोग का कंप्लीट हो गया एस सबसेल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पी पी में आपका कितना नंबर से स्टार्ट है टू तो हम लोग टू से स्टार्ट करेंगे ठीक याद है कि फ्रेंड्स जो भी नंबर दिया होगा सब सेल में उसी नंबर से हम लोग को स्टार्ट करना तो यहाँ पे हो गया आपका टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं डी डी हम लोग का नंबर थ्री से स्टार्ट है तो हम लोग लिखते हैं थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब हम लोग देखते हैं एफ एफ हम लोग का फोर से स्टार्ट है ठीक है फ्रेंड्स तो आपका four, ये आपका हो गया फोर एंड देन ये फाइव तो फ्रेंड्स ये जो आपका सीरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन निकालने का तरीका ये आपका सीरीज में कंप्लीट हो गया बस आपको एसपीडीएफ का जो नंबर दिया हुआ उसका आपको याद करना है देन आपको सब शेल को दो दो बार लिखना है ठीक है फ्रेंड्स वो भी राइट टू लेफ्ट आपको दो दो बार लिखना है ठीक है फ्रेंड्स अब आप लोग कोई एलिमेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है फ्रेंड्स एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स कोपर कॉपर हम लोग का एक्सेप्शनल होता है ठीक है फ्रेंड्स तो कॉपर का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका कॉपर का ट्वेंटी नाइन होता है ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालते हैं इसी सीरीज के हेल्प से ठीक है फ्रेंड्स ट्वेंटी नाइन होता है तो फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होगा हम लोगों ने इसमें मैक्सिमम आपका टू इलेक्ट्रॉन्स जाता है P में मैक्सिमम सिक्स एंड D में टेन एंड F में मैक्सिमम फोर्टीन जाता है ठीक है फ्रेंड्स बस आपको ये याद करना है एंड देन आपको इसी सीरीज में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है तो मैक्सिमम कोपर का मैक्सिमम तो फ्रेंड्स कोपर का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी नाइन इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑनफ्रेशन निकालते हैं तो वन एस टू टू एस टू बी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू एंड थ्री डी कितना हो गया कोपर का एटोमिक नंबर ट्वेंटी नाइन है टू तो टू प्लस टू फोर सिक्स टेन टेन फिर इधर हो जाएगा टेन तो ट्वेंटी एंड देन यहाँ पे नाइन तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एज टू एंड थ्री डी नाइन तो फ्रेंड्स कोपर आपका एक्सेप्शनल है ठीक है फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर थ्री डी नाइन होता है तो फ्रेंड्स अगर फोर एज अगर एस अपना इलेक्ट्रॉन अगर डी को दे देता है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फोर एज वन थ्री डी टेन तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्क्रेशन कैसे निकालने के इस ट्रिक के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इस ट्रिक को जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्केशन आप इजिली निकाल सकेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्रिक पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा